आप देख रहे हैं न्यूज लीडर्स, सच है तो खबर है। सतना कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री अनुराग वर्मा ने आज लोकसभा चुनाव 2024 के लिए 28 मार्च से होने वाले नामांकन प्रक्रिया की तैयारियों का निरीक्षण किया। रीवा कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्रीमती प्रतिभा पाल ने निर्वाचन प्रेक्षकों के सहयोग के लिए तैनात लाइजनिंग ऑफिसरों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सतना जिले के शासकीय कॉलेज के छात्र छात्राओं ने मानव श्रृंखला बनाकर मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया। दमोह कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री सुधीर कुमार कोचर ने मानस भवन से घंटा घर के लिए कलश यात्रा का शुभारंभ किया और मतदाताओं को मतदान के लिए जागरूक किया। लोकसभा चुनाव 2024 के लिए शहडोल में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए और गुब्बारे उड़ाकर मतदाताओं को मतदान करने के लिए प्रेरित किया गया। नरसिंहपुर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के तहत महिलाओं द्वारा मतदाताओं को शत प्रतिशत मतदान की शपथ दिलाई गई। शिवपुर जिले में रैली, रंगोली तथा मेहंदी लगाकर मतदाताओं को जागरूकता का संदेश दिया गया। सीहोर जिले में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत लोकसभा निर्वाचन 2024 में शत प्रतिशत मतदान में भागीदारी करने और अन्य मतदाताओं को जागरूक करने की शपथ दिलाई गई। साथ ही यहां छात्र छात्राओं द्वारा मानव श्रृंखला भी बनाई गई।